जी गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह बचपन में बहुत ही ज्ञानी वीर दया धर्म की प्रतिमूर्ति थे। इनका बचपन का नाम गोविंद राय था। सिख गुरु तेग बहादुर के यहाँ गोविंद सिंह ने 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब भारत में जन्म लिया। खालसा पंथ की स्थापना कर गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म के लोगों को धर्म रक्षा के लिए हथियार उठाने को प्रेरित किया। पूरी उम्र दुनिया को समर्पित करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने त्याग और बलिदान का जो अध्याय लिखा वो दुनिया के इतिहास में अमर हो गया। गुरु गोविंद सिंह के अन्य नाम सरबंस दानी मर्द अगम्र दशमेश पिता बाज अन वाले हैं। गुरु गोविंद सिंह बचपन से लोगों की भलाई के लिए जी जान लगाने को उत्सुक रहते थे। एक बार तमाम कश्मीरी पंडित औरंगजेब द्वारा धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराए जाने के से बचने के लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर के पास सहायता मांगने आए थे। उस समय गुरु गोविंद सिंह यानी गोविंद राय की उम्र सिर्फ 9 साल थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों का कष्ट जानकर उन्होंने अपने पिता से कहा कि इस समय धरती पर आपसे ज्यादा महान और शक्तिशाली कौन है, इसलिए आपको इन पंडितों की सहायता के लिए जरूर जाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने अपने पिता को औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ लड़ने के लिए भेज ही दिया। इसके कुछ समय बाद ही पिता के शहीद होने पर 9 वर्ष की कम उम्र में ही उन्हें सिखों के 10वें गुरु के तौर पर गद्दी सौंप दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने बहुत कम उम्र में ही तमाम भाषाएं जैसे संस्कृत, उर्दू, हिंदी, गुरुमुखी, ब्रज, पारसी आदि सीख ली थी। एक वीर योद्धा की तरह उन्होंने तमाम हथियारों को चलाने के साथ ही कई युद्धक कलाओं को भी सीख लिया था। खास तरह के युद्ध के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खास हथियारों पर भी महारत हासिल की थी। उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया नागिनी बर्छा आज भी नांदेड़ के हुजूर साहिब में मौजूद है। इनके बच्चों के नाम अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह हैं। गुरु गोविंद सिंह का निधन हुजूर साहिब नांदेड़ भारत में 7 अक्टूबर 1708 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह के महान कार्यों में खालसा पंथ के संस्थापक और जाप साहिब चंडी दीवार, तव प्रसाद सवैये, जफरनाम, बचित्तर नाटक, अकल उस्ताद, सिख चौपाई के लेख शामिल हैं। गुरु गोविंद सिंह जी एक जन्मजात योद्धा थे, लेकिन वो कभी भी अपनी सत्ता को बढ़ाने या किसी राज्य पर काबिज होने के लिए नहीं लड़े। उन्हें राजाओं के अन्याय और अत्याचार से घोर चिढ़ थी। आम जनता या वर्ग विशेष पर अत्याचार होते देख वो किसी राजा से भी लोहा लेने को तैयार हो जाते थे। तो ये थी गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।